भाइयों एक और चीज आ गई है, दो ब्यूटेन सिलेंडर राइडिंग लव्स, ये उसका स्लीपिंग बैग है। तो गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ये देखो कौन आ गया, बोलो हेलो। हेलो हेलो बोल दो भाई साहब। हाँ जी, हम लोग बढ़िया है। और कुछ? अरे नहीं, और कुछ नहीं बोलना, अपनी तरफ से कुछ बोलो। बोलो तो अभी हम मैं बताता हूँ आपको, अभी हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि सुबह का खाना अभी मैंने नहीं खाया, तो पराठे हैं, पिस्ता है और दो अलसी के लड्डू जो हमने कल बनाए थे। जिसने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे कब का क्या बनाया था, ये अलसी वाले लड्डू कैसे बनाए थे। और बाकी आपको बताएगा बुबू। बुबू तेरे हाथ में क्या है, ये देखो, दिखाओ क्या है ये। ये लाइटर। ये लाइटर से क्या करना है, यापन करते इसको, या प्लेस्टे एक्स। चुप कर जा, चल जा पा जा। तो भाइयों, जिस चीज का बहुत दिनों से इंतजार था हमें कि कब आएगी, वो चीज आ चुकी है। पता है वो क्या है, देखो, दो ब्यूटेन सिलेंडर देखो, और वीर जी के लिए राइडिंग लव्स, और सबसे स्पेशल ये स्लीपिंग बैग। भाई 3 लेयर्स का स्लीपिंग बैग है ये, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये बैग। मैं आपको खोल के बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर है ये बैग। और देखो ये क्यों मंगवाए हैं, आपको पता तो चल ही रहा होगा कि हम जा रहे हैं कहीं बढ़िया राइड करने, तो कब जाएंगे और कैसे जाएंगे, कौन कौन जा रहा है, वो सब आपको बताएंगे। आप बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये देखो हमने ये ब्यूटेन सिलेंडर 2 ले लिए। आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, तो ये जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इससे जलेगा हमारा, मैं लेके आता हूँ ये वाला। ये भी बहुत देर से हमारे पास ही पड़ा है, इसको अभी यूज़ भी करना है। पहले भी काफ़ी यूज़ हो चुका है, पर प्रॉपर कैंपिंग में यूज़ नहीं हुआ कभी भी। अभी ये यूज़ होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसको लगा के कि कैसे ये लगता है और कैसे ये ब्यूटेन सिलेंडर जलते हैं। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं। ये देखो इसके नीचे है चारपाई, जैसे चारपाई है इसके, जिससे ये ऐसे सीधा स्टैंड हो जाता है और ये सारा कुछ खुल जाता है। ये देखो ये सारा कुछ खुल गया, और इसको बस थोड़ा सा ऐसे नीचे ही रख लेते हैं, कुछ जल वाली ना जाए, तो इसको ऐसे थोड़ा सा ऑन कर देंगे। और देखो यहाँ पे लाइटर है और ये जल गया, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। बढ़िया है, इसका यही काम है। ये मैंने सुना है कि ये 2.5 से 3 घंटे चल जाता है एक बार में कुकिंग करने के लिए, तो 2.5-3 घंटे कौन कुकिंग करता है भाई साहब कहीं जाकर। ये तो थोड़ा थोड़ा ही काम आएगा, मतलब काम काफ़ी आएगा पर थोड़ा थोड़ा ही यूज़ होगा, 15-20 मिनट में कुकिंग हो ही जाती है वैसे। और बाकी ये देखो, ये ग्लव्स की बात आ गई, तो इस पे ये राइडिंग ग्लव्स क्यों, यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन है, पूरा हार्ड है, यहाँ से देखो हवा जाने के लिए, और यहाँ पे भी पूरी प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे यहाँ से देखो ये टच भी हो जाता है, मोबाइल वगैरह को टच कर लेता है ये देखो। बाकी इस पे है स्लीपिंग बैग, वो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, अगर कोई आता है किसी को कैमरा पकड़ाते हैं और फिर इसको खोल के देखते हैं जल्दी से। तो देखो भाइयों एक और चीज़ आ गई है, जो कि हम अंदर अंदर थे सारे, हमें बेल नहीं सुनी, बेल कोई मारा और ऊपर से फेंक गया ये अमेज़ॉन वाला। इसमें क्या है, इसमें है हेलमेट, वीर जी ने अपने लिए मंगाया है, वो जाएंगे ना अभी हम बाइक राइड्स पे, तो उसके लिए सारा सामान हो गया हमारे पास। ये देखो भाइयों इसमें है हेलमेट, इसको निकाल के देखते हैं, एक हाथ से ब्लॉगिंग करना मुश्किल काम ही है। ये देखो अरे भाई साहब कितना सुंदर हेलमेट, इसकी खास बात पता है क्या है, ये देखो ये स्टिकर वगैरह उतारते हैं पहले देख लें कि हेलमेट सही है बिल्कुल। तो ये है 1250 प्लस 50 kg का, मतलब 1300 ग्राम का, केजी बोल दिया शायद मैंने गलती से, तो
हाँ 620 mm का है, सबसे बड़ा साइज है ये वाला। और अभी अपना सबसे पसंदीदा काम करते हैं जो कि है इसको उतारना। ओ भाई साहब मजा ही आ गया। और इसकी देखो एक बेस्ट बात पता क्या है, ये देखो इसके फीचर्स, यहाँ से एयर का इनटेक और यहाँ से देखो इसका एग्जिट है, और देखो मेन चीज ये देखो ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे उठ जाता है। अरे भाई साहब ये देखो यहाँ से पुश करके ऐसे उठ जाता है, और फिर ये पूरा हेलमेट भी बन जाता है ये ऐसे। तो भाइयों देखो हम आग चला के बैठे हैं, और हम कहाँ पे हैं, बटाले में, अमृतसर से अचानक देखो हम लोग बटाले आ गए। और मेरे साथ कौन है? लंबे वाले भाई साहब तो वीर जी मेरे साथ है, और हम सेक रहे आग, सारे लोग चले गए, मूंगफली वगैरह सब वहाँ पे पड़ी हुई है। और कल है लोहड़ी, कल लोहड़ी की सेलिब्रेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे है, मतलब बहुत ही मजा आता है ना यहाँ पे बटाले में मनाने का। मतलब अभी आपको कुछ दिख तो नहीं रहा होगा रात में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धुंध भी हो रखी है। और बढ़िया से देखो आग जल रही है, यहाँ पे सारी लकड़ियाँ लेके रखी है हमने। हमारे पास एक ऐतिहासिक साइकिल भी है। कौन सा? वो देखो, ये हमारे पास ऐतिहासिक साइकिल है, ये हम मेरे दादाजी शुरू से चलाते आ रहे हैं भाई साहब, ये ऐतिहासिक साइकिल अंत तक चलाएंगे चलाते चलाते जाएंगे। ओ भाई साहब ऐसा नहीं बोलते। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग बढ़िया लगा होगा। धन्यवाद।